NSQF अध्यापक यूनियन पंजाब दे अज गुरदासपुर विच रोष प्रदर्शन कर पंजाब सरकार तो मांग कीती कि आउटसोर्स खत्म करके NSQF वोकेशनल अध्यापकां नूं सिक्ख्या विभाग विच रेगुलर कीता जावे अते उन्हां नूं वी बनदा मान सत्कार दिता जावे। यूनियन जिंदाबाद, साडियां मंगां पूरियां करो, साडियां मंगां पूरियां करो, NSQF यूनियन जिंदाबाद। असी वोकेशनल ट्रेनर यूनियन दे बैनर हेठ समूह पंजाब दे विच जिहड़े अपने 22 जिले है जिलावार प्रोग्राम बनाया सी वोकेशनल ट्रेनर यूनियन वालों। अज 29 तरीक नूं साडा गुरदासपुर जिले का प्रोग्राम सी। मैं सूबा जनरल जॉइंट सकत्तर अनूपजीत सिंह, साबका प्रधान वोकेशनल ट्रेनर यूनियन, अपने जिले के नुमाइंदियां नूं लैके इत्थे प्रधान साहब और जिहड़े साडे सैकटरी साहब कैशियर साहब उन्होंने लैके एकत्र होए हैं। असीं डीसी साहब नूं अपना मंग पत्र दिता है, पंजाब सरकार तक अपनियां मंगां जिहड़ियां उह पुजदियां करन लई डीसी साहब कोल पहुँच की है। इस तो पहला भी असी कई बार मंग पत्र आने वाले समय के भी और पहला भी दिते है, लेकिन सरकार द्वारा साड़ी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। असी पिछले 6 सालों तो आउटसोर्सिंग माध्यम राही पंजाब सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के 6 सालों तो पढ़ा रहे हैं। एक निगुणी जी तनखा सानू दिती जा रही है, केंद्र सरकार वालों साड़ी जी 25,000 तनखा आती है, लेकिन अजे प्राइवेट कंपनियां जी आउटसोर्सिंग कंपनियों में पा के एक कंपनियां सानू कटौतियां करके अपनी मनमर्जी के नाल कटौतियां करके तकरीबन 13,000 रुपया साढ़े झोली दे विच पाउंदियां। तुसीं देखो कि 6 सालों तो असीं इह सारे अध्यापक जिहड़े आ सीनियर सैकेंडरी स्कूलों के पढ़ा रहे हैं, साढ़े द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे भी तकरीबन 25-30 हज़ार से प्राइवेट फर्मों के काम कर रहे हैं, और जिहड़ा वो अध्यापक उन्हां बच्चों तैयार करता है अज वो 6 साल बाद भी 13,000 की निगुणी जी तनखा से काम कर रहा। साड़ी सरकार पासों, सिक्ख्या मंत्री साहब पासों, मुख्यमंत्री साहब पासों यही मंग है कि सानू इस आउटसोर्सिंग के बनवास को खत्म करके विभाग के विच पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के विच मर्ज किया जाए। अगली साड़ी रणनीति स्टेट पद्धर से असी पटियाले धरना लाने जा रहे हैं आने वाले कुछ समय के, क्योंकि पिछे असी पिछले महीने ही पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग के दफ्तर के भी मीटिंग करके आए हैं, उन्हां वालों भी सानू कोई पॉजिटिव रिस्पोंस नहीं आया। सिक्ख्या मंत्री साहब ने भी मीटिंग की है साढ़े नुमाइंदियां ने, सिक्ख्या मंत्री साहब ने सानू मुढ़ तो नकारिया। असी उसका जवाब देने लिए आने वाले समय के पटियाले के पक्का धरना लाने लिए तैयार होवांगे। पर असी आउटसोर्सिस द्वारा साड़ी भर्ती की गई सी, 6 सालों तो असी सरकारी स्कूलों में टीच कर रहे हैं, पर सानू डिपार्टमेंट विच हाले तक शामिल नहीं किया गया, जदों कि पॉलिसी के अनुसार 3 साल बाद डिपार्टमेंट विच हर कोई मुलाजम शामिल हो रहा, पर सानू शामिल नहीं किया जा रहा। साड़ी सरकार अगे यही मंग है कि सानू सिक्ख्या विभाग विच शामिल किया जाए, तो तनखा प्रति सानू बहुत मुश्किल आ रही है, साडा EPF कटिया जा रहा है, कंपनीज द्वारा बहुत ज़्यादा कटौती की जा रही है, तो साड़ी यही मांग है कि सानू विभाग में शामिल किया जाए। अभी बाहर जाके मुजाहरे भी लावांगे, सरकार के खिलाफ पुतले भी फूकांगे। आप चाहते हैं कि जिमें कि लेडीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है स्कूलों के, असी हर एक काम करते हैं कि जिहड़ा डिपार्टमेंट वालों जां किसे भी मतलब प्रिंसीपल ना पूरा कोऑपरेट करते हैं, प्रिंसीपल साढ़े ना पूरा कोऑपरेट करते हैं, बट सानू कंपनियों वालों बहुत शोषण हो रहा है, साडा EPF ही इन्ना ज़्यादा कट हो रहा है कि जिम्मे 17,325 साड़ी तनखा हैगी है, फिर भी सानू कट के 13,000 समथिंग दिती जाती है, तो सानू ना इस मेडिकल छुट्टी दिती जा रही है, कोई भी जिहड़ा डिपार्टमेंट वालों सानू कोई बेनीफिट्स हुंदा कोई नहीं दिता जा रहा। मैं यही सरकार को मंग करती हाँ कि आने वाले समय में सानू ये पूरे बेनीफिट्स दिते जाए।